ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। सॉरी 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 सॉरी। अब आप कह रहे हो कि यहां आलू की फैक्ट्री लगवाओ, आप कह रहे हो कि यहां पे किसान की मदद करो, अंत में मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं दबाव डाल सकता हूं जो मैं कर रहा हूं, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना। मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता। अबे साले। लेकिन भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे नेता है जो आपके पास वोट मांगने आए हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि आलू खेत में होता है कि आलू फैक्ट्री में होता है। नेक्स्ट इंडिया इज वर्किंग, सो आई डोंट भाई मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। मायनी, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये पबजी वाला है क्या? कालाराम जैसे को टिकट मिलता है सोजत जिला पाली राजस्थान से, तो सबसे पहले हिमालय का पानी सोजत में पहुंचाया जाएगा। अगर लालाराम रेगर को टिकट मिला तो वही सबसे पहले मिशन ये रहेगा कि मेहंदी के उद्योग को दुनिया के नक्शे पे लाया जाए। और लालाराम रेगर है कौन? लालाराम रेगर मैं स्वयं। कितनी अवैज्ञानिक बात बोल रहे हो। इस सरकार का 9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, आप नेता बोलते थे, मैं सुन रहा था, मुलायम सिंह आदरणीय बोल रहे थे, मेरे साथी हैं, बरसों तक समाजवादी आंदोलन में लड़े कि 9 महीना में तो बच्चा पैदा हो जाता है। मैंने कहा कितनी अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं, ये तो वैज्ञानिकता है, प्रकृति का नियम है, 9 महीना में बच्चा पैदा होता है। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, क्या वो बच्चा 9 महीना में फिर बच्चा पैदा कर देगा क्या? सरकार पैदा हुई, अब क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? अच्छा हुआ आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि कल आपने यहां पर आपके एटीएस ने कुंभ में खलल डालने के लिए कुछ आतंकी कुछ खड़यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता। गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया। कीर्ति जी, आप गुजरात से एमपी हैं, बड़ी वकालत करती हैं आप नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की, लेकिन हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल गए गुजरात में, उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि सारे के सारे जो विकास के दावे हैं बिल्कुल झूठे हैं। गुजरात में विकास कितना होता है इंसान का, उसका एक प्रमाण मात्र आप अरविंद केजरीवाल में ही देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में घूम रहे थे वैगन आर में, लेकिन गुजरात से लौटे तो प्राइवेट जेट में। Okay.
नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। नहीं देखा रे। नाम का है रे तेरा? मोदी। क्या मोदी? मोदी मस्त नाम है रे। गरीब मांगने वाला नहीं होता है, गरीब देने वाला होता है। हाँ तो 500 दिन 500 चलेगा। अब ये चलता नहीं है तो 200 ला। छुट्टे पैसे नहीं है, 2 साल में फूटी कौड़ी नहीं दिया। हम तेरी मदद तो करना चाहते हैं। एक बात बता, क्या तू सचमुच चोर नहीं है ना? नहीं नहीं। हाँ वैसे भी चोर लोग चश्मा नहीं पहनते। तुमको गाना गाने आता है? आता नहीं। तो सीखना पड़ेगा, अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा, नहीं तो 2 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पे। क्यों? अंदर कड़ी नहीं है रे, और पहले तो दरवाजा भी नहीं था। देखिए। क्या देखूं? जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा आपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। जान पहचान नहीं है, कैसे उठाऊंगा? कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा। आप चिंता मत करो, मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आप सार्वजनिक सीमाएं मर्यादाएं तोड़ रहे हो। तो कान खोल करके सुन लीजिए, तू क्या करेगा रे? अगर सीमाओं को पार करोगे तो ये मोदी है। मैं क्या करेगा बाबा, जान के तेरे को कि तू कौन है? लेने के देने पड़ जाएंगे। बाबू ये चली ना, पकड़ मेरे को जानता नहीं है। अरे पकड़ दे मेरे को, पकड़ मेरे को। ये राजू के चक्कर में आज हम शहीद हो जाएंगे लगता है, चलिए जल्दी। ये धोती पैर में आ रहा है। अरे आप ऐसा धोती खोल के क्यों पहनते हैं फिर? तो तू बोले तो धोती निकाल के भागता हूँ। आप गाड़ी में बैठिए, चलिए चलिए आप चलिए। भाई साहब मेरा ठेला। ऐसा नहीं चलेगा।